पर हम आ पहुंचे हैं बलाड ईस्ट के कुरार विलेज, जहां पर ओंकार बिल्डर्स हॉल के उधर हम खड़े हैं और यहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है साईशा जल्लोष युवा प्रतिष्ठान द्वारा। ये भंडारा और एक तरह से हर्षोल्लास का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा वर्ग यहाँ पर मौजूद है। सर आपका नाम? विशाल गोविंद सालून के। विशाल भाई बताइए कि आपका ये खास कार्यक्रम क्या है और इसकी क्या महत्ता है? देखिए अभी हमने 2014 से चालू किया हुआ है, ये 14 साल है। जैसे यहाँ पे सुबह जो पूजा होती है, उसके बाद यहाँ पे बाबा की मेरूनी निकलती है, पालकी निकलती है, उसके बाद यहाँ पे शाम को सत्यनारायण की पूजा होती है, उसके बाद शाम को 7 बजे ऑर्केस्ट्रा, उसके साथ भंडारा चालू होता है। हमारे सोसाइटी के काफ़ी हमको हेल्प करते हैं, उसके बाद हमारे जो सर हैं मिस्टर जीतेश निगम जी, वो पूरा हमको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जो पुरुषोत्तम जी, आपको क्या लगता है और कितने सालों से आप पूजा अर्चना करते आ रहे हैं यहाँ पर? सर्वप्रथम भगवान साई के चरणों में रोटी रोटी वंदन करते हुए परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र तथा भगवान राम के आराध्य हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक माने जाने वाले आराध्य श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हुए आपने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर, गत 4 वर्षों से हम इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हर भक्त अभक्त आस्तिक नास्तिक जितने भी साई भक्त हैं सबके मन में जो साईं बाबा के प्रति जो प्रेरणा। और हमारे साथ अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अभिषेक और आकृति जुड़ चुके हैं। अभिषेक जो कि भक्तजन है यहाँ पर, उन्होंने अभी आरती ली है, प्रार्थना किया, लगातार पूजा करते हैं। अभिषेक आपको क्या लगता है और कितनी श्रद्धा है साईं बाबा पर और पूजा करने के बाद क्या एक फील होता है? जी साईं बाबा ये हमारा 14 साल है, तो ये पहले साल से ही ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूटी, मतलब ये नया कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाबा ने जब ये चालू किया था तब उन्होंने कभी ऐसा भेद नहीं किया कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। हमारी भी यही कोशिश रहेंगी कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो साई भंडारा कर रहे हैं, साई उत्सव कर रहे हैं, इसमें कोई कटुता ना हो, सब लोग आए, सब लोग मिलकर आए, यानी कि ये हिंदू है या मुसलमान है ऐसा कोई भेद ना रखे, तो ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हमने तमाम लोगों से बात की, चाहे वो पंडित जी हो, महिलाएं, भक्तजन, सबके साथ। एक बार फिर से हमारे साथ विशाल और मंडल के तमाम सदस्य जुड़ चुके हैं जो साईं बाबा का जय जयकार करने के लिए काफी उत्साहित है। तो विशाल, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी राज पराब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु हमारे साथ इस आयोजक मंडल के एक मेंबर जुड़ चुके हैं, दिनेश भाई। आइए उनसे बात करते हैं। दिनेश भाई कुछ बताइए, आप कितने सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और क्या एक उत्साह है आपके अंदर जो इस तरह का कार्यक्रम आप अच्छी तरह से संयोजित कर रहे हैं? फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते आए हुए 4 साल हो गए, 4 साल से अपना साई भंडारा का फंक्शन चालू है, लेकिन हम लोग बहुत उत्साह से, मतलब जब से 4 साल हो गए, 4 साल से ये दिन की राह देखते हैं और हमें दिन रात यही चाहिए कि आज का दिन कहीं और भी नजर आए। पूरा उत्साह है दिल के अंदर, पूरा उत्साह, इतना उत्साह कि हम लोग सब लड़के और दिन रात मेहनत करते रहते हैं ये दिन। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो खासा उत्साहित है और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं दिनेश भाई, उसके चलते एक समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन आ रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, समाज में तो अभी ये साई भंडारा तो हर एक समाज का है, कोई इसमें जात पात नहीं, और बस अपनी उनकी दुआ है, बस हम लोग एक समाज के लिए, मतलब एक उत्साह ही है अभी उस समाज को, इसमें सब पता ही चलता है कि अपने वो कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रमों के बहाने एक कुछ न कुछ अच्छा होता है। तो अन्न और ये तो ठीक है, जो भंडारा हमने किया हुआ है, इसके अलावा जो आपका मंडल है वो किसी तरह से कंट्रीब्यूट करता है सोशल वर्क में या क्या आपका एक योगदान है? हाँ, सोशल वर्क या कोई सब मेंबरशिप निकाल के किसी से सब अपनी मेहनत से जो कुछ लाते हैं, कोई कितना लाता है, कोई कितना लाता है, मतलब ये कोई जबरदस्ती नहीं, और सब उत्साह से कि मतलब एक हमारा भंडारा है वो इतने उत्साह से होता था कि अभी आपको देखे हो कि कैसे उत्साह से होता है।